अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो भावनात्मक रूप में बह करके वोट कर देते हैं, तो सरकारें भी जानती हैं कि हमें कैसे इन्हें मैनिपुलेट करना है, कैसे अपने तरफ खींचना है। तो आप एग्जाम्पल सहित थोड़ा समझाइए कि कैसे सरकारें या फिर कैसे कोई भी पार्टी वोटर्स को रिझाने के लिए उन्हें कैसे किस तरीके से अपने भावनात्मक चंगुल में फंसाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझना चाहेंगे। मान लीजिए किसानों की समस्या है, ये किसान है, ये वोटर एक किसान है। उसने 5 साल में बहुत सारी समस्याएं देखी और झेली। उसे उसकी उपज का सही दाम मिलता है या नहीं मिलता है, ये समस्या है। उसे खाद बीज ये सब कैसे मिल रहे हैं, क्या उपलब्धता है इनकी, क्या इनकी कीमत है, इन सब आधारों पर वोट देना चाहिए। तभी सरकार एक योजना लेकर आ जाती है और कहती है कि हम सभी किसानों को जो है एक सम्मान राशि देंगे। चुनाव से जस्ट 2 महीने पहले एक ऐसी योजना आ जाती है। अब किसान के समक्ष सबसे विजिबल जो चीज है वो ये है कि उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं। अब वो धीरे धीरे अपनी समस्याओं को जो उसने पिछले 5 साल में झेली हैं उसको एक किनारे करता है, उससे उसकी सोच हटती है और वह भावनात्मक रूप से इस सम्मान निधि के साथ जुड़ी जाती है। अब वो उसका वोटिंग पैटर्न, वोटिंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। अब वो सम्मान निधि के लिए वोट करता है, अपनी समस्याओं को एड्रेस करने के लिए ये वोट नहीं करता। इसी को एक अन्य उदाहरण से हम समझते हैं। मान लीजिए एक वोटर जो है वो एक बेरोजगार है। उसके समक्ष पहली चुनौती अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने की है, एक रोजगार प्राप्त करने की है। पिछले 5 साल में उसे बहुत सारे वादे मिले, बहुत सारे जुमले मिले, लेकिन रोजगार नहीं मिला। अब उसे अपना वोट जो है वो रोजगार की समस्या जो पार्टी हल करे, जो उसे रोजगार प्रदान करने सकने में सक्षम हो उसे देना चाहिए, या यही प्रश्न उसके समक्ष यही होना चाहिए। तभी क्या होता है कि सरकार एक स्कीम लेकर चली आती है कि हम सभी बेरोजगारों को एक मिनिमम सपोर्ट मनी देंगे, जिसे हम बेरोजगारी भत्ता कहते हैं। अब उसे लगता है कि हमें तो बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा अगर ये सर पार्टी गवर्नमेंट में आ जाएगी, तो फिर हमें रोजगार की आवश्यकता तब भी रहेगी, लेकिन वो कम हो जाएगी। अब वो प्रमुख प्रश्न उसका जो है बेरोजगार ढूंढना या रोजगार पाना, वो अलग हो जाता है और उसके समक्ष एक भावनात्मक रूप से वो जुड़ जाता है कि हमें जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ये सरकार आएगी तो हमें बेरोजगारी भत्ता देगी। अब वह अपना वोटिंग पैटर्न पुनः चेंज कर देता है। उसे जिस बात के लिए, जिस समस्या के लिए वोट देना चाहिए, जिस इशू के लिए, वह उसको ना हल करते हुए एक दूसरे भावनात्मक रूप से किसी चीज में पड़ जाता है और वह उसके आधार पर वोट कर